आज का ये फ्लैट जवाब है उन लोगों के लिए जिन्हें ऐसा लगता है कि उत्तम नगर में कम कॉस्ट में लग्जूरियस फ्लैट नहीं मिल सकता है, बिकॉज ये 2 BHK जो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये 65 गज में बना हुआ है, मेट्रो से मात्र 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे ये फ्लैट है, बहुत उम्दा फ्लैट है, लास्ट तक वीडियो देखिएगा बिकॉज इट इज गोइंग टू एस्टोनिश यू। मैं हूँ अपूर्वा एंड यू आर वॉचिंग 7 IL अफोर्डेबल्स। स्वागत है आपका आपके नए घर में, और यहाँ पे इतनी एमिनिटीज है कि मैं जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ आपको यहाँ पे दिखाना, बिकॉज एक भी चीज मैं मिस नहीं करना चाहती और वीडियो भी बहुत लंबा नहीं बनाना चाहती ताकि आप बोर ना हो जाएं। सो स्टार्ट करते हैं हम मेन डोर से। मेन डोर पे यहाँ पे आपको लाइट टीकोट कलर में बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेक्सचर मिल जाता है। इस साइड पे डार्क कलर में आपको वुड पैनलिंग मिल जाती है, ब्रॉन्ज कलर का आपका हैंडल आपको एम्बेलिशमेंट के लिए मिल जाता है, और आप एक बार व्यू देखें मेरे पीछे जो आ रहा है, आपका गेस्ट यहाँ से घुसेगा तो क्या ये पॉसिबल है कि वो एस्टोनिश हुए बिना रह सके। और इन सारी चीजों के साथ साथ अगर आप इस एंगल से देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका 5 सीटर सोफा आ जाता है, वेरी ब्यूटीफुल आपका वेलवेट डिजाइन में। पीछे आपकी डिजाइनर वॉल है, ग्रे कलर का सीमेंटेड टेक्सचर है, ट्रस्ट मी ऐसा लगता है कि पूरी वॉल पे कारपेट लगाया हुआ है। इसी के साथ साथ इसकी ब्यूटी को और बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे मिरर फिनिश मिल जाती है ब्रॉन्ज कलर में। यहाँ पे सेंटर में आपका कॉफी टेबल आपको मिल जाता है, इसके जस्ट ऊपर आपकी बहुत ही शीक सी आपकी फॉल सीलिंग आपको मिल जाती है, बीच में स्टेयरकेस डिजाइन है, साइड में आपकी पैनलिंग है, LED लाइट्स लगी हुई है, बीच में फैन लगा करके आपको मिल जाता है, एंड मेरे पीछे जो आपको ब्यूटी दिख रही है ये है हमारा टीवी कैबिनेट। आई डोंट नो इतने खूबसूरत टीवी कैबिनेट्स कहां से लेकर के आए जाते हैं, बिकॉज ट्रस्ट मी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टीवी कैबिनेट्स। आपका मार्बल का यहाँ डिजाइन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका ब्राउन कलर का वुड पैनलिंग दिया हुआ है, उस साइड पे वुड का टेक्सचर दिया हुआ है डार्क कलर में, नीचे आपके लाइट वुड कलर में आपका वुड का टेक्सचर है, क्लोज कैबिनेट्स है नीचे, ऊपर ओपन कैबिनेट्स है, और इजिली आप 55 से 60 इंच का टीवी यहाँ पे लगा सकते हैं। इससे जब हम इस साइड मूव करते हैं तो इस साइड पे हमारा किचन है, वो हम बाद में दिखाएंगे आपको। यहाँ पे आपका शोपीस का स्पेस आ जाता है, मिरर वर्क बहुत ही खूबसूरत किया हुआ है इस फ्लैट में। आप जो भी शोपीसेस रखेंगे या फिर अपनी जो भी एमिनिटीज यहाँ पे रख करके अपने गेस्ट को एस्टोनिश करना चाहते हैं, उसकी ब्यूटी को चार चांद लगाने के लिए हर चीज यहाँ दी हुई है। एंड जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो लिविंग स्पेस की एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज हमें दिखती है, ऊपर में फॉल सीलिंग में आपका बहुत सुंदर सा पैनल दिया हुआ है जो ब्लैक कलर में है, बीच में उसका लाइन डिजाइन है जो आपको क्रीमिश लुक में आता है अंडर वार्म मूड लाइटिंग है, एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको आपका कॉमन वॉशरूम मिल जाता है लिविंग स्पेस के जस्ट सामने, प्राइमरी रूम के बगल में, किचन के बगल में, तो प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, बहुत कन्वीनियंट है। अंदर का अगर टेक्सचर की हम बात करें तो वेट्रीफाइड टाइल्स का जो टेक्सचर है वो बहुत ही आपको लग्जूरियस फील देता है। अंदर में पूरी व्हाइट कलर की आपकी सैनिटरी फिक्स्चर्स है, सिल्वर कलर की आपकी सैनिटरी नल वगैरह आपको दी हुई है, एंड जो फ्लोरिंग है इसकी वुड की है। अगर कॉमन वॉशरूम में इतनी चीजें हो सकती हैं सो जस्ट इमेजिन पूरे फ्लैट में, रूम्स में, आपके किचन में कितनी एमिनिटीज होंगी। बट सारी चीजें मैं आपको कब दिखाऊंगी, तब दिखाऊंगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे। तो अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबाइए और उसके बाद मेरे से मिलिए ताकि मैं आपको आगे ये फ्लैट दिखा सकूं। जस्ट अक्रॉस आपको आपकी किचन मिल जाती है, एंड मेरे पीछे जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लेदर का डिजाइन है, व्हाइट कलर का लेदर है, बट ट्रस्ट मी दिस इज नॉट लेदर, दिस इज वेट्रीफाइड टाइल्स। और जैसे ही आप किचन में एंटर करते हैं सबसे पहले जो आपको दिखता है वो नीचे की कैबिनेट्री है जो चारकोल ग्रे कलर में है, ब्रॉन्ज कलर की इसकी एम्बेलिशमेंट्स है, एम्पल अमाउंट ऑफ कैबिनेट्री स्पेस है। उसके जस्ट ऊपर आपका कुकटॉप आ जाता है जो कि आपका प्योर
प्योर मार्बल में बना हुआ है, 40 mm मार्बल, आपका क्या कहें, मरूनिश इन डिजाइन एंड वेरी ब्यूटीफुल लुक। यहाँ पे डीप सोकिंग सिंक आपको मिल जाता है, तीनों टाइप की वाटर सप्लाईज मिल जाती है। एंड द थिंग टू नोटिस इज, आप इस सैनिटरी के डिजाइन को नोटिस करें, ऐसा लगता है डायमंड शेप के डिजाइन दिए हुए हैं। छोटी छोटी चीजें बट आपके घर को बहुत ही उम्दा तरीके से खूबसूरत बनाती हैं। एंड ऊपर की कैबिनेटरीज के कलर्स की बात करने की हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर नो कलर्स, पूरा आपका मिरर डिजाइन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आपको ऐसा लगेगा कि आप सेलिब्रिटी स्पेस में खड़े हैं, बिकॉज आप खाना भी बना रहे हैं, अपने बाल भी ठीक कर रहे हैं, अपना मेकअप भी देख रहे हैं। सो लेडीज, इट इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू दिस किचन। और यहाँ पे आपको आपकी चिमनी मिल जाती है ब्लैक कलर की, एक्चुअली मैट ब्लैक फिनिश की है। उसके ऊपर का जो पैनल है वो आपको डार्क कॉफी कलर के टेक्सचर में दिया हुआ है। आपकी जो साइड की पैनलिंग है वो सेम एग्जैक्ट उसी डिजाइन में दी हुई है। ऊपर आपको बहुत ही बड़ी सी LED लाइट मिल जाती है, फॉल सीलिंग का डिजाइन मिल जाता है। लाइक इट इज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट मॉड्यूलर किचन्स दैट आई हैव सीन इन उत्तम नगर। आपका क्या विचार है इस पे, मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अभी जाएं, मेरे को बताएं कि ये किचन आपको कैसा लगा, या फिर आपको और कौन से किचन्स पसंद आए हैं। ड्रॉप द लिंक्स बिलो एंड लेट मी नो, उसके बाद मैं आपको रूम्स दिखाती हूँ। और ये है आपका मास्टर ऑफ द मास्टर मास्टर रूम, जिसमें घुसते ही जिसपे सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है वो है ये ह्यूमंगस टीवी कैबिनेट। लाइट टी कोट कलर में यहाँ पे इसके टेक्सचर दिए हुए हैं, नीचे ग्रे कलर में टेक्सचर दिए हुए हैं। इजिली एक 65 inch का टीवी आप यहाँ लगा सकते हैं, ट्रस्ट मी इट इज दैट बिग। ऊपर आपका ओपन स्पेस दिया हुआ है, नीचे आपके ओपन कैबिनेटरी दी हुई है, उसके नीचे आपकी क्लोज कैबिनेटरी है। इस साइड पे एक फुल मिरर आपको मिल जाती है, नीचे कॉस्मेटिक्स की स्पेस है। इस साइड पे आपकी ग्रे कलर में आपको वुड पैनलिंग दी हुई है। इस पूरे के पूरे टीवी कैबिनेट को एक बहुत ही डिफरेंट और सोफिस्टिकेटेड लुक देता है। और इस साइड पे जब आप आते हैं तो आपको मिल जाती है आपकी कैबिनेटरी स्पेस, जो एग्जैक्टली सेम टेक्सचर में है जिसमें आपका टीवी कैबिनेट बना हुआ है। ऊपर की कैबिनेट आपकी लाइट टीकूट कलर में, नीचे ग्रे कलर में आपका ओपन स्पेस दिया हुआ है, बेड साइड टेबल की तरह आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नीचे अगेन क्लोज कैबिनेटरी स्पेस है, बीच में आपका किंग साइज का बेड लगा हुआ है। माइंड मी, किंग साइज का बेड लगने के बाद भी इतनी कंफर्टेबल वॉकेबिलिटी स्पेस है इस पूरे के पूरे रूम में। एंड बेड के जस्ट ऊपर आपको वेलवेट में हेड स्टैंड मिल जाता है, जो कि इनबिल्ट है वॉल पे। अगर आप चाहें तो पूरे फर्नीचर के साथ हम ये फ्लैट आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। सो इसकी कोई भी डिटेल जानने के लिए, चाहे वो फर्नीचर की हो, चाहे वो फ्लैट की हो, चाहे वो इस फ्लैट नहीं किसी और फ्लैट की हो, आप अभी नीचे जा सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक नीचे दी हुई है, उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर इस रूम के ब्यूटी को बात करते हुए हम कंटिन्यू करें तो ऊपर की फॉल सीलिंग आप मिस नहीं कर सकते हैं। साइड में आपकी जो पैनल है वो तो नॉर्मल आपकी व्हाइट कलर की पैनल है जिसपे LED लाइट्स लगी हुई है, बट जिस चीज पे ध्यान जाना है वो है ये वुड पैनलिंग, 3-side wood paneling की भी है। आपके बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स में है, मूड लाइटिंग लगी हुई है, सेंटर में आपको फैन मिल जाता है। सो आपके पूरे रूम को बहुत अच्छा डायमेंशन देता है ये। और अगर हम कन्वीनियंस की बात करें तो मास्टर रूम में तो अटैच वॉशरूम तो होगा ही। सो ये है आपका अटैच वॉशरूम, इसका जो आपका वेट्रीफाइड टाइल्स है वो 3D आपके लुक में दिया हुआ है। आपकी प्रीमियम मोस्ट सैनिटरी आपको मिल ही जाती है। एंड अगर इस रूम की वेंटिलेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, सो दिस विंडो स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, बहुत ही अच्छी वेंटिलेशन है, बिकॉज फ्रंट साइड के रोड पे ये फ्लैट है, आपकी बालकनी से कनेक्टेड है। ऊपर विंडो AC का आपको स्पेस दिया हुआ है। एंड ऑब्वियसली बालकनी से आप इंट्रीग हो गए होंगे, सो आई एम श्योर यू वॉन्ट टू सी इट। सो देखते हैं बगल वाले रूम में क्या है। नाउ लेट्स गो। और ये हम आ चुके हैं अपने प्राइमरी रूम में, जिस बालकनी को मैंने मेंशन किया था वो यहाँ पे है। बट यू नो, बालकनी तो मैं लास्ट के लिए बचा के रखती हूँ, बिकॉज दैट्स माई फेवरेट स्पेस। इस साइड पे वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो मिल जाती है, इसके ऊपर भी आपको विंडो AC का स्पेस मिल जाता है। ये याद रखिएगा कि इस फ्लैट में लिविंग स्पेस में आपको आपके स्प्लिट AC का पॉइंट मिल रहा है, दोनों रूम्स में आपको विंडो AC का पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पे अगेन सेम टेक्सचर में आपको कैबिनेटरी स्पेस मिल जाती है। इस पूरे फ्लैट में सेम टेक्सचर मेंटेन करने का रीजन ये है कि हम पूरे लुक को सिनोनिमस रखना चाहते थे, आपके घर को एक बहुत ही प्यारा सा फील देना चाहते थे।
नीचे आपका ओपन आपका ग्रे टेक्सचर है, उसके नीचे क्लोज कैबिनेटरी है, किंग साइज का बेड है एंड इस रूम में ब्रॉन्ज हाइलाइटिंग के साथ आपको आपका हेड स्टैंड मिल जाता है जो ग्रे इन कलर है। बेड के दोनों साइड पे आपकी कैबिनेटरी स्पेस है। इस साइड पे अगर हम मूव इन करेंगे तो यहाँ पे आपको टीवी कैबिनेट आपका मिल जाता है। यहाँ 40-45 इंच का टीवी आप इजीली लगा सकते हैं। दोनों साइड पे ग्रे कलर की वुड पैनलिंग है, नीचे ग्रे कलर में आपका ओपन कैबिनेटरी स्पेस है एंड फॉल सीलिंग यहाँ पे बहुत ही सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड रखा गया है। आपकी LED लाइटिंग है, आपकी मूड लाइटिंग है, आपका बीच में फैन लगा हुआ है एंड दोनों साइड पे आपके पैनल के डिजाइन दिए हुए हैं। एंड नाउ फॉर दी शो स्टॉपर्स टाइम, हम चलते हैं बालकनी में। जैसे आप अपनी बालकनी में निकलते हैं आपको दो चीजें पता चलेंगी। एक इस साइड पे आपका बहुत ही अच्छा सीटिंग स्पेस बनाने का आपको एरिया मिल जाता है, बहुत वाइड स्पेस है। जनरली इतनी वाइड बालकनीज मेन रोड पे आपको नहीं मिलती हैं। सामने में आपकी मेन रोड है, 20 फीट की रोड आपको मिल जाती है। इस साइड पे वॉशिंग एरिया आपको काफी बड़ा मिल जाता है। आप चाहें तो आपका फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन भी यहाँ लगा सकते हैं। स्टिल इट एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस आपका यहाँ पे नल लगा के दिया हुआ है, नीचे वेस्टेज पाइप के लिए स्पेस दिया हुआ है एंड यहाँ पे आपकी वो विंडो आती है जो हमने आपके मास्टर रूम से देखी थी। सो यू कैन अंडरस्टैंड, दोनों रूम से फ्रंट बालकनी से आपकी वेंटिलेशन होती है। अगर आपने किसी भी रूम की विंडो खोल करके मेन डोर अपना खोल दिया तो यू वॉन्ट नीड AC, बट स्टिल AC के पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो ये फ्लैट आई एम श्योर आपको अभी तक बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आया है, आपको इस फ्लैट के बारे में कोई भी डिटेल जाननी है या फिर आपके कोई भी सजेशंस हैं सो आप नीचे जाकर के कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस ड्रॉप इन कर सकते हैं। आगे आप क्या देखना चाहते हैं ये आप हमें बता सकते हैं और उसके बाद आप चलिए लिविंग रूम में वापस, मैं आपको लोन वगैरह की सारी डिटेल्स बता सकती हूँ। अगर आप हरी में हैं तो नीचे जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए एंड वो सारी डिटेल्स ओवर दी फोन ओवर दी व्हाट्सएप जान लीजिए। बट स्टिल आई वुड लाइक यू टू कंटिन्यू विद मी। हमारे पास ऐसा फ्लैट है 2BHK जो द्वारिका मोड मेट्रो से मात्र 10 मिनट के डिस्टेंस पे है, 65 गज में बना हुआ है, लिफ्ट मिल जाती है, पार्किंग की फैसिलिटीज मिल जाती है, मिरर डिजाइन्स मिल जाती है, वुडन टेक्सचर मिल जाता है, वुडन पैनलिंग मिल जाती है, आपको आपका लेदर टेक्सचर मिल जाता है, किचन में आपकी मिरर की पूरी ऊपर की कैबिनेटरी मिल जाती है, इतना सुंदर आपकी फ्लोरिंग मिल जाती है। आई डोंट नो एक फ्लैट में आपको और क्या चाहिए होगा एंड आई एम श्योर आपको और कुछ चाहिए भी नहीं होगा। मैं अपने व्यूअर्स को जानती हूँ, दे आर सुपर सेंसिबल। सो मेरे सुपर सेंसिबल व्यूअर्स अभी जाइए अपने डॉक्यूमेंट्स नीचे दिए हुए व्हाट्सएप के लिंक पे भेजिए, मेरे को बताइए कि इस फ्लैट पे कितना परसेंट आप लोन चाहते हैं, बिकॉज 80-85% तो लोन हम मार्केट स्टैंडर्ड्स पे करा करके देते हैं बट बाकी सारी चीजों के लिए मेरी टीम ट्राई करने वाली है। ये प्रॉपर लोनेबल प्रॉपर्टी है, आपकी आपकी रजिस्ट्री प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, जनकपुरी कोर्ट में इसकी रजिस्ट्री हो जाती है और इसी के साथ साथ मेरे को पता है इतने कंफर्टेबल सोफा को देख करके आपको मन कर रहा होगा कि आप भी आके बैठे। तो जाइए नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कीजिए, यहाँ की विजिट बुक कीजिए, आइए इस सोफा का इस फ्लैट का मजा लीजिए, अपने लिए बुक कीजिए और इस फ्लैट को अपना बनाइए बिकॉज ट्रस्ट मी ये फ्लैट आप ही के लिए बना हुआ है। मैं हूं अपूरा एंड यू आर वॉचिंग 7 आल अफोर्डेबल्स।